हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे इन माय लाइफ। टुडे इज माय बर्थडे और आज मैं ऑफिशियली 31 की हूँ, हो गई हूँ। सुबह से आई एम लाइक कि 31, यू नो, थोड़ा सा तो ऑब्वियसली लगता है, तो थोड़ा सा हजम करने में मुझे टाइम लग रहा है बिकॉज आई हैव स्पेंट, कैन यू जस्ट इमेजिन, आई हैव स्पेंट माई 30 ईयर्स। अभी आधा जिंदगी खत्म, अब आधा आगे। तो ओके, अभी 1 बजे को मेरा अर्बन क्लब से एक सेशन है, मैंने बुक किया था ना अर्बन कंपनी से, तो फेशियल पेडिक्योर वैक्सिंग का कराया है। तो मैं फटाफट करने का कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 12:45 हो रहा है। अभी यहाँ मशीन के अंदर मैं कपड़ा दी हूँ, तो वो जैसे ही हो जाएगा सुखाने दे दूँगी। और आज मैं ये अलग कमरे में हूँ, ये हम लोग का दूसरा वाला कमरा है। यहाँ पे ज़्यादातर यू नो यहाँ पे ईथन के खिलौने, फिर कुछ कुछ यू नो हेयर सॉफ्ट टॉयस, ये सब पाइल अप होके है, मतलब यहाँ पे मैं स्टॉक करके रख देती हूँ। तो ओके गाइस, बने रहिए वीडियो में, देखिएगा। बहुत गर्मी है मुंबई में, चट्टा चट्टा लट्टा लट्टा है, मुझे एकदम पसंद नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, थैंक यू, ऑल माई किसेस एंड लव, लेटर। ओके गाइस, तो मेरा आ चुका है अर्बन कंपनी से, शी इज हियर। तो मैं फटाफट अभी रेडी होके मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए, उन्होंने सबसे पहले सारा सामान निकाल के बाहर अरेंज करके रख दिया था, एंड देन उन्होंने मेरा पेडिक्योर शुरू कर दिया था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था गर्म पानी में पैर को डुबा के न, तो उनके पास बहुत सारे नेल पॉलिश के कलेक्शन भी थे, तो उन्होंने सारे निकाल के सामने रख दिया। फिर मैंने अपने लिए एक चॉइस कर लिया, और ये पेडिक्योर मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरी था, यू नो मेरे पैर बहुत दर्द देते थे। तो मैंने उस दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन मैंने फाइनली सोच लिया कि चलो आज के दिन बाहर नहीं गए, कुछ नहीं किए, तो एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कर लूँ। तो मुझे पेडिक्योर और वैक्सिंग ज़रूरी था, तो मैंने वही करा लिया घर बैठे बैठे। और मेरा नेल पेंट जो मैंने चॉइस किया था। ओके गाइज, आई एम बैक। तो मेरा जो भी काम था, जो भी सर्विस था अर्बन कंपनी की तरफ से, सब कुछ हो चुका है। मेरा पेडिक्योर, मेरा वैक्सिंग, सब कुछ हो गया है। एंड गाइज, जो आई थी, आपने देखा होगा वीडियो में ग्लिम्स, शी वॉज वेरी पोलाइट, वो बहुत अच्छी थी। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अर्बन कंपनी से कोई आएगा, यू नो, और मतलब हम लोग इतना बात भी करेंगे, यू नो, क्योंकि जनरली मतलब कहीं से भी मतलब अननोन पर्सन आते हैं तो हम लोग उतना खास बात नहीं करते हैं। बट शी वॉज वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छी थी, सब कुछ, सारा कुछ उसने सब कुछ अच्छे से करके दिया। मुझसे भी बहुत सारे बातें की, मैंने भी उससे बहुत बातें किया, एंड देन इथन से भी वो बहुत कम्युनिकेट कर रही थी। एंड गाइज, मेरा मूड तो ऐसे लिफ्टअप हो गया। अभी हम लोग देखते हैं क्या करती हूँ, मैंने अभी मेरा इतना टाइम यहाँ चला गया, तो मेरा लंच तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने अभी फिर बाहर से ऑर्डर किया। थैंक यू खलीदा, और ये शायद वो वीडियो भी देखेगी, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो खलीदा, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द लवली सर्विस। सो गाइस, मेरा खाना आ गया, खाना खा लेती हूँ मैं। ये है मेरा खाना, ये है कोरियन फ्राइड राइस, और ये यहाँ पे जो मोमोज है, इसका बहुत अच्छा, रिसेंटली फाउंड आउट है ये वाला रेस्टोरेंट, एंड ये बहुत अच्छा सर्विस देता है। टेस्टी है स्पिनच मोमो। सो ओके गाइस, अभी शाम हो चुकी है, दिन को कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज आफ्टर द रिलैक्सिंग पेडिक्योर वगैरह भी मैं थोड़ा सा सो गई थी। एक्चुअली किसी जगह के लिए हम लोग बुकिंग भी करके रखे हुए थे, तो घर पे कोई तैयारी नहीं था, तो कुछ नहीं। और उस टाइम में डीजू भी सो गया था, मैं बाहर नहीं जा पाई, अभी उसको छोड़ के तो नहीं जा सकती थी। तो अभी फ़िलहाल तो शाम हो चुकी है, अभी वो नींद से भी उठ गया है। हम लोग एक मॉल में आए हैं मेरा कपड़ा देखने के लिए। काफ़ी दिन टाइम हो गया मैं पेंटलून्स नहीं आई, तो आज मैं पेंटलून्स आई हूँ जीजू के साथ। जीजू हाय, चलो यहाँ से देखती हूँ क्या मिलता है मुझे, बिकॉज कुछ भी तैयारी नहीं किया मेरे लिए। अभी बाहर जाऊँगी तो देखती हूँ, कुछ तो पहन के जाना पड़ेगा।
मैंने यहाँ ऑडियो को म्यूट कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट मार दिया, बिकॉज मॉल में गाना चल रहा था। माय गॉड, माय कपड़ा। यस शना, ओके तो हमारा शॉपिंग हो गया है, वी आर गोइंग। और हम अभी बुकिंग से बहुत लेट है, क्योंकि बुकिंग हमारा 8:30 है। वी आर लेट। बिजू के लिए नहीं लिया, क्योंकि बिजू के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारा सामान लेके रखा हुआ है, तो वहाँ से यूज कर लेना। अभी तो फिलहाल हम लोग चले घर। और गाइस, मेरे साथ हमेशा यही होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है लास्ट मोमेंट में ही मेरा सब कुछ होता है। लास्ट मोमेंट में मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या पहनूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ खाओ। ये मेरा लाइफ का बिगेस्ट प्रॉब्लम, बट इट्स ओके, ऑल सेट। अभी हम लोग चलेंगे एक जगह, ऐसे वो जगह में हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, बट स्टिल। ओके गाइस, ये है मेरा मॉल, और ये ऑपोजिट साइड में वो बड़ी जो बिल्डिंग है वो मेरी बिल्डिंग है, मेरा फ्लैट एकदम ऑपोजिट में ही है। उतना दिन हम लोग मैक्स पेंटलून्स नहीं आए, तो क्या क्या कलेक्शन था पता नहीं था, मगर फाइनली यस पता चला कि मैक्स में भी बहुत सारा कलेक्शन आया है, तो वो फाइनली मैंने मैक्स से ही ड्रेस ले लिया। तो चलो कुछ नहीं तो अपना पुराना ही चीज़ काम आता है। और मैं बहुत हिम्मत जुटा के बाहर बात कर रही हूँ, करना तो पड़ेगा। गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं जगह में, आई डोंट नो ये ऑडिबल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे बाद में ठीक करना पड़ेगा। ओके, ये कुछ इस तरीके का व्यू है। हम लोग अपने मोस्ट फैमिलियर जगह पे आए हैं, बारबेक्यू नेशन पे, और यहाँ का अच्छा खासा ही है, अंडर में सब कुछ अवेलेबल है, ड्रिंक्स वगैरह, खाना वाना सब कुछ। तो यहाँ पे थोड़ा सा सी फूड भी ट्राई करना था, इसलिए हम लोग इधर आए। हमारा कोयला, मेरा खाना। और ये हर मम्मी का स्ट्रगल, अपने बच्चे को खाना खिलाना। तो मैं यहाँ पे ईथन को समझा रही थी कि कैसे खाना है, नहीं खाना है, अदरवाइज यू नो डर लगा रहता है, अगर मैं अपने खाने पे बिजी हो गई तो वो शायद चोक वोक हो सकता है। आई कम फॉर दिस प्रॉन। तो इस तरीके से बिताया आज का दिन मैंने। तो आई होप आप सभी को ये छोटा सा बर्थडे ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।